नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है हमारे आयुर्वेद यूट्यूब चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। दोस्तों, आज हम फिर आपका परिचय करवा रहे हैं इस आयुर्वेद वनस्पति के साथ, जिसका नाम है अश्वगंधा। लैटिन में इसे विथेनिया सोमनीफेरा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे अश्वगंधा, वाजीगंधा, हयगंधा, वराहकर्णी, वलदा, वरदा, पुष्या आदि नामों से जाना जाता है। इसमें विथेनिया सोमनीफेरा, इसका जो नाम है सोमनीफेरिन नाम का, इसमें एक क्षार पाया जाता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। और मानसिक रोगों, बच्चों से संबंधी सूखिया रोगों, दुर्बलता में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे प्राचीन आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने और आयुर्वेदाचार्यों ने मुक्त कंठ से इसकी बहुत ही प्रशंसा की है। इसके जो फल होते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी दो प्रजातियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रजाति को नागौरी अश्वगंध के नाम से जाना जाता है। नागौरी अश्वगंध है वो बहुत हमारे देश में उत्पन्न होने वाले जो इसकी प्रजातियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा कारगर और प्रायोगिक है। उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हमारे आयुर्वेदिक योगों में किया जाता है। इसकी जो दो प्रजातियां हैं उनमें छोटी प्रजाति है, दूसरी एक बड़ी प्रजाति है। जो छोटी प्रजाति है उसका मूल थोड़ा लंबा पाया जाता है, जिसकी फार्मिंग करते हैं, जिसे हम खेतों में उगाते हैं। और जो दूसरी प्रजाति है वह जंगली प्रजाति होती है। जैसे इस तरह से ये अभी इसको एक बार काट दिया गया है, उसके बाद में दोबारा से उगी है। ये बहुत ही लंबा इसका छुप हो जाता है और इसकी मूल थोड़ी छोटी होती है। वैसे दोस्तों, यह रस में इसका जो गुण है वह उष्ण है और इसका रस तिक्त, मधुर और कटु है, तथा इसका विपाक मधुर विपाक होता है और यह बहुत ही उपयोगी है। इसकी मूल का चूर्ण हम उपयोग करते हैं, इसकी जड़ का चूर्ण प्रयोग में लाया जाता है। मैं आज आपको इसका एक बहुत ही सुंदर प्रयोग बताने जा रहा हूँ मोटापे के लिए। जो हमारे बहुत से बहन भाई मोटापा घटाना चाहते हैं, जिनका वजन 80 किलोग्राम से भी ऊपर हो गया है, उनके लिए इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग है। पहले मैं इसका परिचय आपको करवा देता हूँ। इस तरह के इसमें आप पहचान कर सकते हैं, इसके पत्ते होते हैं और उनसे एक बहुत ही तीव्र गंध निकलती है। उस गंध के कारण इसकी तुलना अश्वगंधा से की जाती है कि घोड़े जैसी गंध आती है। जिस तरह की गंध घोड़ियों में आती है, उस तरह की गंध इसमें आती है। इसलिए इसे बाजी गंधा भी कहा गया है। बाजी अर्थात घोड़ा। यह बाजीकरण में भी प्रयोग होता है और दुर्बलता में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो मैं आपको बता रहा था मोटापे के लिए। मोटापे में आप इसके दो पत्ते, जो इस तरह के इस साइज के दो पत्ते लेकर प्रातः शौच जाने के बाद में उनकी चटनी बनाकर उन दो पत्तों को आप सिलबट्टे पर उनकी चटनी बना लीजिए और प्रातःकाल उसको एक दो चम्मच की मात्रा में उस चटनी को सेवन कर लीजिए, चाट कर खा लीजिए। ये थोड़ा स्वाद में बकबका लगेगा आपको, हो सकता है कि पहले दिन आपको कुछ जी मिचलाना जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन उसके बाद में आप कुछ स्वाद बदलने के लिए या मीठा या कुछ चरफरा खट्टा ले सकते हैं, जिससे आपका मुंह का जायका बदल जाए। खाने में आपको इसके बाद में सिर्फ दलिये पर ही रहना है। जैसे खिचड़ी है, दलिया है, उसमें आप जौ, गेहूं, बाजरा, मकई आदि का दलिया ले सकते हैं। रोटी आपको चपाती बिल्कुल भी नहीं लेनी है और कुछ नहीं लेना है। सलाद ले सकते हैं आप साथ में। आप देखेंगे 15 दिन में आप 4 से 5 किलो आपका वेट घट गया होगा, कम कर चुके होंगे। साथ में अगर आप लें दिव्य, जो आपको बैद्यनाथ की भी मिल सकती है और पतंजलि आदि फार्मेसियों की भी मिल सकती है, मेदोहर बटी या मेदोहर गुग्गुल। मेदोहर बटी भी आती है, मेदोहर गुग्गुल भी आती है। मेदोहर बटी की एक एक गोली और इसकी चटनी,
एक गोली प्रातः और एक गोली शाम खाली पेट वो लीजिएगा आप, और साथ में इसके पत्तों की चटनी का सेवन कीजिएगा और आप देखोगे कि किस तरह जादू की तरह आपका वजन कम हो जाता है। इसी तरह इसका एक प्रयोग और हमने बहुत ही अच्छा किया था दुर्बलता में, कि जिन भाइयों का वजन नहीं बढ़ रहा है, गाल चिपके हुए हैं, आँख गड्ढे में धंसी हुई है, ऐसे जो कमज़ोर जिनको चक्कर आते हैं, दुर्बलता के जो शिकार हैं, उनके लिए इसकी जो मूल होती है, उस मूल का चूर्ण मतलब इसकी जड़ का चूर्ण अगर आपको आजकल तो बाज़ार में बना बनाया हुआ मिलता है, किसी भी फार्मेसी का, बैद्यनाथ का या डाबर का आप ले सकते हैं, अगर आप उसे खरीदने में भी असमर्थ हैं तो आप इसको जिस तरह ये पेड़ है इसकी पहचान आप अच्छी तरह कर लीजिए। ये है वो पौधा अश्वगंधा, तो अश्वगंधा को आप अच्छी तरह पहचान लीजिए और कहीं भी आपको मिल जाए, जगह साफ होनी चाहिए, साफ जगह से लीजिए और इसकी जड़ को खोद लीजिए, जैसे ये जड़ है, और उस जड़ का ऊपर का छिलका हटा के सुखा के उसका कूट कपड़ छन चूर्ण बना लीजिए, कूट कर कपड़े में छान लीजिए बारिश। उस चूर्ण को आप एक चम्मच 2 से 3 ग्राम चूर्ण और एक चम्मच घी और एक चम्मच मिश्री मिलाकर दूध के साथ आप रोज़ सोने से पहले रात्रि में इसका सेवन कीजिए। खाना खाने के बाद में एक चम्मच चूर्ण लीजिए, मिश्री मिला के, घी मिला के, और उसे चाट लीजिए और ऊपर से पी लीजिए दूध, तो आप देखोगे कि यह आपकी वीकनेस को किस तरह करता है दूर, और यह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा सेहत के लिए। इससे बनेगी आपकी बॉडी शक्तिशाली, एनर्जेटिक रहोगे और दुर्बलता होगी आपकी दूर। इसी तरह बच्चों के सूखिया रोगों में हमने इसका एक प्रयोग देखा था कि एक महात्मा जी, जिनकी बहुत ही सेवा शुश्रूषा के बाद हमको ये मिला, कि वो महात्मा जी इसकी जो मूल है अश्वगंधा की, उसका चूर्ण लगभग 1 ग्राम चूर्ण, आप छोटे जो बच्चे हैं जिनकी उम्र है 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर वो बहुत ही कमज़ोर हैं तो उनको शहद के साथ चटा दीजिए और ऊपर से पिला दीजिए गाय का दूध, आप देखोगे कि वो बच्चे हो जाएंगे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। जिन भाइयों माता बहनों को नींद नहीं आती, अनिद्रा की शिकायत रहती है, बहुत ही ज़्यादा इससे पीड़ित हैं, उनके लिए आप लीजिए देसी खांड, जो आपको किसी भी खांडसारी के यहाँ, पंसारी के यहाँ देसी खांड मिल जाएगी, तो इसका वही मूल का चूर्ण 2 से 3 ग्राम लेकर देसी खांड मिलाएं और 2 चम्मच घी मिलाकर उसको सोने से पहले आप अगर चाट लेते हैं और ऊपर से 1 गिलास गर्म गर्म दूध पी लेते हैं, आप देखोगे आपके मानसिक रोगों, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, उसके लिए भी यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और आपको उससे आएगी गहरी नींद। तो दोस्तों इसी तरह इसके हजारों गुण व प्रयोग हैं, आप स्वयं इसका इस्तेमाल करके देखें और इसका फ़ायदा महसूस करें। इसका एक और बहुत ही सुंदर प्रयोग है कि जिन हमारे वृद्ध भाई बहनों और हमारे जो माता पिता हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए इसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर और नेक प्रयोग यह है कि आप इसकी लीजिए जड़ का चूर्ण 100 ग्राम, 100 ग्राम अश्वगंधा मूल चूर्ण, 50 ग्राम सतावर, 10 ग्राम सुरंजान और 10 ग्राम सौंठ। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 100 ग्राम अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण, 50 ग्राम सतावरी का चूर्ण, सतावर जो आपको पतंजलि के यहाँ से, बैद्यनाथ के यहाँ से मिल जाएगा, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम सुरंजान, ये आप 4 चीज़ लेकर और मिक्स करके एक जगह मिलाकर रख लें और दूध के साथ आधा आधा चम्मच अगर आप प्रातः सायं रोज़ इसका सेवन करते हैं तो ये आपके संधिवात, जो जॉइंट पेन है घुटनों के दर्द में, घुटनों की जो चिकनाई होती है, लुब्रिकेंट्स, वो अक्सर 55-60 साल के बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है और हड्डियाँ आपस में टकराती हैं जिससे बहुत ही पीड़ाजनक दर्द होता है, उसके लिए, अर्थराइटिस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और इससे आपकी पीड़ा दूर होगी। दोस्तों आप हमारे जो बताए गए ये प्रयोग हैं, इनका प्रयोग कर लाभ उठाएं, यही हमारी मनोकामना है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें और सभी लंबी आयु सुखपूर्वक जीवें, किसी को कोई व्याधि नहीं हो, रोग नहीं हो,
तो दोस्तों आपको आज की ये जानकारी हमारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और हम आपसे ये कामना करते हैं कि आप हमारे आयुर्वेद ज्ञान YouTube चैनल को बहुत से ज़्यादा देखें और इसका प्रचार करें, बताएं सभी भाइयों को इसके बारे में और इसे लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही आशाजनक होगा, ये हमारा उत्साहवर्धन करेगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी भाइयों को नमस्ते।